वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले एक सप्ताह के दौरान दूसरी बार संबोधित करते हुए आम जनमानस से पूरे देश के अंदर जो अपील की है, आज देश के व्यापक हित में, व्यापक जनहित में हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस अपील पर सभी आमजन उसमें सहयोगी बने। मैं उत्तर प्रदेश के सभी 23 करोड़ जनमानस को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि हम लोगों ने पहले से इस बात की तैयारी कर ली है कि सब्जी है, दूध है, आवश्यक वस्तुएं हैं, दवा है, इन सब का पर्याप्त भंडार हमारे पास प्रदेश में मौजूद है। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप कोई भी घर से बाहर न निकलें, अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था करें, साफ सफाई की व्यवस्था, क्लीनिंग की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन पर पूरी तरह ध्यान देते हुए जो भी आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो उस पर हम पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ हम लोग इस पर ध्यान दें, इस पर सहयोग करें। मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त कर रहा हूं कि प्रत्येक 23 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके उत्तम स्वास्थ्य और उनकी सुविधा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग इसको हर प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। हमने सिस्टम तैयार कर लिया है कि कल से आपके घर घर तक सब्जी, दूध, फल और अन्य दवा की व्यवस्था या जो भी आवश्यक सामग्री होगी इसके लिए लगभग 10,000 से अधिक वाहन हम लोगों ने अभी से चिन्हित कर लिए हैं, जिसमें 4500 पुलिस के पीआरबी हैं, लगभग 4200 के आसपास हमारे पास 108 और 102 की एम्बुलेंसेज हैं, इसके अलावा प्रशासन के वाहन हैं और खाद्य और रसद विभाग के भी साधनों का हम उपयोग करते हुए इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। दूध है, सब्जी है, आवश्यक वस्तुओं को कल से हम लोग घर घर पहुंचाना प्रारंभ करेंगे। अपील कि सब्जी लेने के लिए आप सब्जी मंडी न जाएं, दूध खरीदने के लिए किसी दूध के बूथ पे आप न जाएं, आवश्यक सामग्री के लिए आप किसी दुकान में न जाएं। जब प्रशासन आपसे कहेगा तब आप वहां पर जाएं, अन्यथा अपने घर के बाहर न निकलें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश और देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए गए हैं। और इसके लिए मैं अपील करूंगा कि आप सभी लोग इसमें अपना सहयोग करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपके हित के लिए क्षण प्रतिक्षण हर पल इसके लिए तत्पर होकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर ध्यान दें और 21 दिन के इस पूरी तरह लॉकडाउन के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ें। यही देश हित में है, यही प्रदेश के हित में है, यही आपके और आपके परिवार के हित में भी है। मुझे यही अपील आप सबसे करने की।